इतनी देर हो गई नशे से है जिंदगी हर खुशी तुझसे है हर खुशी जिंदगी तुझसे है वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. और आप सभी इंतजार कर रहे हैं उनका जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है. जी हाँ, हम वेलकम करना चाहेंगे नान अदर देन अ ब्यूटीफुल पॉप सिंगर और मेलोडियस वॉइस उनकी है, शैल ओसवाल का. शैल वेलकम वंस अगेन टू द स्टूडियो. शैल, सबसे पहले यही पूछेंगे, इतनी मेलेडी जो आपकी वॉइस से कहीं ना कहीं हस्की वॉइस लगती है, एक अलग खनक है, एक कहीं दर्द है उस वॉइस में. वेल आई थिंक लोग बोलते हैं ये चीज़. आई थिंक यू नो ये आई वुड गिव कॉम्प्लीमेंट माई टीचर. मैं मेरे गुरु जी मंजीत जी जो दिल्ली में काफ़ी सीखा उनसे मैं. एंड जब मैं दिल्ली में था 4 साल तो मतलब डीप क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं थी क्योंकि थोड़ा लेट मैंने यू नो गाना शुरू किया था. कहते हैं कि बचपन से कुछ ही शुरू कर लो तो ना उसका तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. बट लकली आई थिंक आर्ट जो है वो एक भगवान की देन है, परमात्मा की देन है. लेकिन मंजीत जी ने वो उन्होंने ऐसी चीज़ मेरी आवाज़ में यू नो जैसे खनक ढूंढी तो उसके थ्रू काफ़ी उन्होंने मुझे एक सेमी क्लासिकल ट्रेनिंग और एक वो शुरू कराई. एंड तो उससे हमने बहुत से राग्स गाना शुरू किया, सरगम्स बहुत गाई. बट आई थिंक नेचुरली भी यू नो योर वॉइस कीप्स चेंजिंग ऑल्सो विद टाइम. और वो जो जितना आप गाते हो वॉइस और इम्प्रूव होती रहती है. तो वो भी चीज़ है जी. क्या बात है, शैल अपने गुरुओं को भी नहीं भूले हैं और एक इतनी रिनाउंड बिजनेस क्लास फैमिली को आप बिलोंग करते हैं. कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, बिजनेस में नहीं गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सिंगिंग, आपका पैशन है शायद सिंगिंग के अलावा. आप प्रोड्यूसर भी रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को याद करवा दें, पिंजर जो एक फिल्म आई थी, उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, संजय सूरी, कुलभूषण खरबंदा, अमृता प्रीतम की वो जो स्टोरी लिखी गई थी पिंजर, ब्यूटिफुल स्टोरी इट वॉज, और आपने प्रोड्यूस की. उसके बाद शैल आप फिर प्रोडक्शन में नहीं नजर आए. वो ना क्या था जी, देखो उसमें प्रोडक्शन में ना यू नीड लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब काफी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है. एंड उस टाइम फिर मैं शिफ्ट हो गया था फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर. एंड देन हमने फिर ये लकी स्टार जो हमारी कंपनी थी, देन वी प्लान टू शट इट डाउन. ऑनेस्टली हमने फिर उसमें प्रोडक्शन अपनी सब रोक दी थी. एंड क्योंकि मेरे फादर का बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब वो फादर की ही एक तरह से उनका था कि एक लॉन्च करें, हम एक मूवी बनाएं. तो उसके बाद क्या सोचा नहीं हमने. आई थिंक बट आई एम लुकिंग नाउ मे बी इन द फ्यूचर एक अच्छी कोई लव स्टोरी टाइप. जैसे आप बात कर रहे थे मेरे से तो समथिंग, मैं यही जब शैल मुझे मिले तो मैंने पूछा आप हीरो कब बन रहे हैं. देखो जी मैं तो अपने फैंस का हीरो हूँ. आई थिंक जब तक वो मुझे लाइक कर रहे हैं जब तक मैं गाऊंगा. और एक कॉम्प्लीमेंट मैं ऑन एयर शैल को देना चाहूंगी. आज से 8 साल पहले मैं इनके पैलेस गई थी, इनकी इंटरव्यू लिया था, उस टाइम आपका सॉन्ग आया था, फिल्म भी तभी आपने ये बनाई थी पिंजर. और बिल्कुल वैसे दिखते हैं, बिल्कुल नहीं बदले. और मैं इतना बदल गई इन 7 सालों में 8 सालों में, लेकिन शैल आप बिल्कुल नहीं बदले. हैट्स ऑफ टू यू. आपके रिजीम जानेंगे लेकिन उससे पहले संदीप आपकी कॉल लेना चाहेंगे, हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं. वेलकम टू MH1 न्यूज, आपका बहुत बहुत स्वागत है. शैल से बात करें. हेलो हेलो, नमस्ते संदीप, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है सर, नमस्ते. और ठीक हो सर? हाँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? हिसार से बोल रहा हूँ सर. अच्छा 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 अच्छा, बताइए बताइए जी. सर मैं आपको बतौर हीरो देखना चाहता हूँ सर अगली मूवी में. अच्छा मूवी नहीं, देखो जी मूवी का तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन होगी तो डेफिनेटली सबसे पहले यही आके मैं उसको लॉन्च अनाउंसमेंट करेंगे जी. अभी तो फिलहाल तुसी जिंदगी एंजॉय करो, मेरा नया गाना, आई होप आपको अच्छा लग रहा है और उसको प्यार करते रहिए. चलिए, थैंक यू संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए. शैल आपको क्या लगता है, अब आपको फिल्मों में कब आ जाना चाहिए? क्योंकि गाने आपने आपने प्रूव कर दिया है कि आप एक मेलोडियस सिंगर हैं. यू हैव प्रूव्ड हीरिये सोनिये, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, वर्ल्ड वाइज उसको रिकॉग्निशन मिली इस सॉन्ग को. फिल्मों में कब आ रहे हैं? फिल्मों का ना मैंने कभी सोचा नहीं इतना. आई थिंक मैं सोचता हूँ कि सिंगिंग तक ही अभी तक है मन है मेरा जी. फिल्मों में ऑलरेडी कलाकार हैं इतने, उनको करने तो मैं आ जाऊंगा, उनका जॉब ना चले जाए. व्हाट अ ओवर कॉन्फिडेंस इट इज, माय गॉड. मजाक कर रहा है, ये तो मजाक ही थी. आई थिंक मैं सिंगिंग तक ठीक हूँ जी, बस परमात्मा की मेहरबानी है आई थिंक. लेकिन देखते हैं जी क्या होता है किस्मत में, who knows where the road takes you. लुधियाने नु कितना मिस कर दियो सिंगापुर? बहुत. ओहो लुधियाना की मत बात पूछो तुसी. लुधियाना तो पूरा बचपन मेरा वहीं कटा है,
मतलब शामरॉक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, वहां पर मैं काफी साल वहां गुजारे, फिर अजमेर चले गया था मेयो कॉलेज में। कजन सारे मुझे याद है सिविल लाइंस में ऑपोजिट खालसा कॉलेज वुमन के पीछे रहता था मैं, परली कोठी बोलते थे हम लोग, मेरे कजन वहीं, और किप्स कॉर्नर सरावा नगर, तो यू नो वो तो हमारा बेस्ट प्लेस था, दैट वाज द बेस्ट, दैट वाज द बेस्ट लुधियाना जी। तो आई थिंक मतलब यू नो आई गो देयर, रोज गार्डन था वहां, मुझे याद है तो आज भी है, वैसे ही सुंदर है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आरती सिनेमा हॉल था वो उस टाइम, मैंने याद है बहुत पहले वहां एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की आई थी जी, मैं यू नो एक वो एक उसके ऊपर थी वो कुछ लाइक यू नो समथिंग ऑन पॉलिटिकल थी यू नो, तो वो याद है मुझे बहुत पहले एक मूवी आई थी हाथ, पता नहीं एक गाना था उसके अंदर बड़ा फेमस गाना था अमिताभ बच्चन का, तो मैंने हॉट डॉग्स खाए थे सुबह, हम अर्ली मॉर्निंग शो में गया था मैं, यू नो उस टाइम तो मल्टीप्लेक्स थे नहीं, तो वो आरती सिनेमा हॉल गए थे कुछ 8-7 बजे का शो था, एंड नहीं यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है यू नो, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, याद आ गया जी, याद आ गया मुझे, तो वो मूवी। तो एक चलते चलते क्योंकि मुझे यहाँ रोलिंग का इशारा हो रहा है, लेकिन शैल अगर जब फिल्म में अपने आप को लॉन्च करेगा तो किस एक्टर से इंस्पायर होकर कौन सा रोल करना चाहेगा, योर ड्रीम रोल? देखो मेरी जी इंस्पिरेशन तो है आमिर खान, यू नो बिकॉज आमिर खान एक तो मतलब यू नो ही वर्क्स हार्ड टू गेट इन टू अ कैरेक्टर। मैंने बहुत ही कम लोग देखे जो जैसे पास्ट में आपके थे राजेश खन्ना जी थे जी, वो मतलब बिल्कुल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते थे, दिलीप कुमार साहब एंड अमिताभ बच्चन, तो ऑब्वियसली नो ही इज लाइक यू नो ही इज अ मेंटोर, एंड आई थिंक आमिर खान इन टुडेज जनरेशन। तलाश मूवी मैंने जब देखी बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन आप देखो उस मूवी में जो कैरेक्टर है ना, ही इज प्लेड दैट कैरेक्टर, कि देखो बेटे की जिया मतलब, है उस कैरेक्टर मतलब जी है, जी है, यू नो लाइक मंगल पांडे, क्रिटिकली एक्लेम नहीं मिला उसको, कमर्शियली भी मतलब ठीक है, बट यू नो द वे ही ग्रू हिज मुस्टैच फॉर सो लॉन्ग, लंबे बाल के लोग सोचते थे कि शायद नकली मूछें हैं, सीन धूम 3 व्हाट ही डिड फैबुलस, आई थिंक ही इज लाइक आई लुक अप टू हिम, मतलब हम आज वंडरफुल थॉट शैल आपकी, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द पंजाबी सिनेमा में इतना स्मार्ट हीरो आ जाए कि लड़कियां भी कहें वाह मुझे शैल के साथ मूवी करनी है, अब मुझे उस शैल की हीरोइन बनना है। चलते चलते हीरी ये सोनी ये नहीं, हम जिंदगी का गाना सुनेंगे, टाइटल ट्रैक जो बहुत खूबसूरत है शैल, हम चाहेंगे आप जिंदगी ही गाना हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। शायद तुझे ना हो पता बिन तेरे जीना मेरा बेवजह, चाहूं तुझे ये हक दे मिल जाए जीने की मुझे वजह, देखूं तुझे तो बरसती दुआएं तेरे लिए ही तरसे निगाहें, जीना पाएंगे ऐसे तुझसे जुदा होके, सांसों की कश्तियों को तू किनारा दे। आ बोले भाई जिंदगी, हिप हॉप नहीं है यार मैं एंजॉय कर रही थी जिंदगी को, एंजॉय कर रही थी जिंदगी, इसकी आई थिंक हिप हॉप रिमिक्स भी कर सकते हो सकता है, देखा मैं इंस्पिरेशन हूँ हिप हॉप के लिए। वेल थैंक यू सो वेरी मच शैल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे आप ऐसे ही खूबसूरत गाने गाते रहें और जिंदगी से रूबरू हमें भी करवाते रहें, और साथ ही साथ पंजाबी सिनेमा को एक अच्छा हीरो मिले आप ये जरूर गौर कीजिएगा, वैभव ने भी ये कहा, संदीप ने भी ये कहा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करते हैं शैल ओसवाल जो हमेशा से बहुत खूबसूरती से गाना गाते आए हैं, और इस गाने को भी आप जिंदगी, चाहे वो जानवे है और जिंदगी है, आप उसे जरूर सुनेंगे। आईट्यून्स से आप उन्हें ले सकते हैं, इंटरनेट पर कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, सुनते रहें अपनी जिंदगी को म्यूजिक के साथ, एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच, सत श्री अकाल।